दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है चीन की सिनोफार्म वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन मंजूरी। डब्ल्यूएचओ ने चीन की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। अब यह वैक्सीन वैश्विक स्तर पर उपयोग की जा सकती है। सिनोफार्म उत्पाद एक निष्क्रिय टीका है जिसे SARS-CoV-2 वैक्सीन यानी वीरोसेल कहा जाता है। इसकी आसान भंडारण आवश्यकताओं के चलते इसे कम संसाधनों में भी उपयोग किया जा सकता है। इस वैक्सीन में एक खास बात यह है कि इसकी शीशी में एक स्टिकर का उपयोग किया गया है। यह स्टिकर वैक्सीन के अधिक गर्मी के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल देता है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों को इसके सुरक्षित उपयोग में आसानी होगी। साक्ष्यों के आधार पर WHO ने 3 से 4 सप्ताह के अंतराल में इस वैक्सीन की 2 डोज लेने की सिफारिश की है। इसे 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्कों को दिया जा सकता है। सिनोफार्म वैक्सीन का निर्माण बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप यानी CNBG की सहायक कंपनी है। WHO द्वारा दी जाने वाली आपातकालीन मंजूरी EUL कोवैक्स वैक्सीन आपूर्ति सुविधा के लिए एक आवश्यक शर्त है। इससे देशों को कोविड-19 के टीकों के आयात और प्रशासन के लिए अपने स्वयं के नियामक अनुमोदन में तेजी लाने की अनुमति प्राप्त होती है। WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर, बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेका, एसके बायो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैनसन एंड मॉडर्ना के टीकों को भी सूचीबद्ध किया है।